छात्र छात्राओं को खेलकूद के लिए जागरूक करने और उन्हें उनकी रुचि के अनुसार गति भाग कर अपनी प्रतिभा सामने लाने के उद्देश्य को लेकर सेलाकुई के दून बिजनेस स्कूल में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन ग्लेम नाइट के साथ समापन हुआ है और इस समापन समारोह में क्षेत्र के देवभूमि BFIT ग्राफिक एरा जैसे 7 शिक्षण संस्थानों के प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। इस दौरान आयोजित फैशन शो जहां एक और प्रतिभागी छात्र छात्राओं द्वारा मंच पर वेस्टर्न लुक का प्रदर्शन किया, वहीं उनके द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों को संस्कृति को परिधानों में अपनी प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। वहीं दूसरी ओर बिट बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भी प्रतिभागियों ने अपने हुनर के जलवे बिखेरे। नवभारत समाचार विकास नगर से महेंद्र तोमर की रिपोर्ट। स्कूल में हमने 17, 18 और 19 तारीख को एक बहुत मेजर इवेंट किया था, स्पोर्ट्स इवेंट, जिसमें लगभग 18-19 फुटबॉल की टीम्स आई थी और सिर्फ लोकल ही नहीं आई थी, काफ़ी दूर दूर से भी आई थी, जैसे ग्रेटर नोएडा से भी एक टीम आई थी और लगभग 15-16 टीम आई थी बास्केटबॉल की, 14-15 टीम थी वॉलीबॉल की। तो 3 दिन का एक मेजर इवेंट था। उस इवेंट में ऑलमोस्ट प्री फाइनल राउंड्स फैशन शो के हुए थे, उसके बाद आज उसका फाइनल राउंड हो रहा है। तो ये बच्चों का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के पर्पज़ से एक एक्टिविटी है जिसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, न सिर्फ DBS के बल्कि आज फैशन शो में लगभग 7 और टीमें हैं इंटर कॉलेज जो दूसरे इंस्टीट्यूशन से आई हैं। कौन कौन से कॉलेज हैं? जैसे तुलास से है टीम, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से है, दून PG कॉलेज से है, देवभूमि कॉलेज से है और BFIT कॉलेज से है। इस तरीके से 6-7 कॉलेजेस की टीम्स आई हुई हैं जो आज एक फैशन शो के तौर पर एक कॉम्पिटिशन है, उसमें से विनर्स चुने जाएंगे 1st, 2nd और 3rd। साथ साथ आज बीट बॉक्सिंग का भी एक कॉम्पिटिशन है जिसमें कुछ बीट बॉक्सर्स आए हुए हैं जो अपनी परफॉर्मेंस देंगे। क्या कुछ मोटिव इसका मोटिव है? बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा, बच्चे सिर्फ पढ़ने और किताबी ज्ञान तक सीमित न रह जाएं, उनका पूरा संपूर्ण व्यक्तित्व का निखार होना चाहिए। बच्चों को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के लिए आवश्यक है कि वो खेलों में भाग लें, खेलों में पार्टिसिपेट करें। तो आयोजन तो वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, लेकिन ये फैशन शो भी, जैसे इसमें बच्चे अपने आप को प्रोफेशनली कैसे ड्रेस करते हैं, बच्चों का बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी, बच्चों का एप्टीट्यूड, बिहेवियरल स्किल्स, ये सारी चीज़ें निखर के आती हैं। तो इस लिहाज से ये एक इवेंट मेजर तौर पर किया जाता है और हम हर साल करते हैं इस इवेंट को, ताकि बच्चों के अंदर जो समग्र विकास की भावना है वो जागृत।